नानी क्या बना रही हो आज? आज हम बेटा मक्का की रोटी बना रहे हैं। तो चलो आज आप हमें भी सिखाओ और सबको सिखाओ कि मक्के की रोटी कैसे बनाई जाती है। इसमें मक्के के आटे को जितना ज्यादा इस तरह से सानोगे अच्छा उतनी अच्छी रोटी बनेगी, है ना। और जो लोग गर्म पानी से सान के बनाते हैं उसके स्वाद में इसमें बहुत अंतर होता है ना? अच्छा, गर्म पानी से करनी चाहिए कि ठंडे पानी से? हम तो ठंडे से ही करते हैं हमेशा से, है ना, क्योंकि दोनों के स्वाद में बहुत फर्क हो जाता है। अच्छा, तो इसको इस तरह करके अपने हिसाब से कितनी बड़ी बनानी है, छोटी बड़ी जैसी भी बनानी है उस तरह से बना सकती हो। पानी लगा लगा के? हाँ, पानी लगा के बनाते हैं तो ये बहुत स्वादिष्ट होती है। थोड़ी मोटी रहती है उससे, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये बेल के नहीं बनाते हैं, हाथ से ही बनाते हैं। आप फटाफट बना भी तो अच्छी ले रही हो, हम बनाएंगे तो टूट जाएगी। नहीं, इसको बस सानने के ऊपर जितना ज्यादा से इसको अच्छे से गूंथोगे उतनी अच्छी ही बन जाएगी रोटी। बस इसको धीरे से ऐसे तवा पे डाल देनी है ऐसे, बस जब एक तरफ थोड़ी हल्की सिकती है तो दूसरी तरफ ज्यादा सिकती है, ऐसे सेकना चाहिए। अच्छा, पहली बार जल्दी से पलटना, हाँ, फिर दोबारा में थोड़ा पीछे लाल लाल उसमें चिकते पड़ जाए उसके बाद। ये देखो बस इसी तरह से बनाना है बेटा। बस अब इसकी तरफ जब ये फिर से अच्छी सी पीछे थोड़ा सीख जाए उसके बाद इसको निकाल के और चिमटे से इसको थोड़ा रोटी दूर की करके तरीके सेकना। से हाँ, रोटी से थोड़ा दूर करके सेकना ताकि ये अंदर कच्ची ना रहे और अच्छे से सीख भी जाए। चलो अब एक और बना रहे हो तो वो भी दिखाओ। अब इसको जब तक वो सीख रही है तब तक हम इसको ऐसे कर लेते हैं और बस उसके बाद उसको निकाल के सेकेंगे उसपे गैस पे आंच पे और इसको तवा पे डाल देंगे। ऐसे हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे करनी चाहिए ताकि ये बीच में पतली ना हो जाए। अगर बीच में पतली हो जाएगी तो फिर अच्छे से नहीं बनेगी। अब देखिए इसको इस तरह करने में इस तरह सीख जानी चाहिए इतनी, हाँ, है ना, ऐसे इसपे हल्के हल्के चित्ते पड़े हैं। चित्ते पड़ गए। हाँ, हाँ, तो ये सही रहेगी सेकने में। फिर इसको अभी तो चूंकि हमें डालना है इसपे, इसने हम ऐसे रख दिया इसलिए फिर इसको दूर दूर से ऐसे चिमटे से पकड़ के सेकना है। अच्छा, नॉर्मल रोटी की तरह गैस पे डायरेक्ट नहीं नहीं सेकना? नहीं नहीं उस पे डायरेक्ट रखोगे तो अंदर कच्ची रह जाएगी, ऊपर से तो हो जाएगा हाँ, लेकिन अंदर कच्ची रह जाएगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है मक्के की रोटी, सीजन में बहुत अच्छी लगती है और वैसे तो कभी भी बनाओ, इसका पराठा भी बनाओ हाँ, तो भी बहुत अच्छा लगता है। सरसों के साग के साथ और भी ज्यादा टेस्टी बहुत ही लगेगी। टेस्टी लगेगी। वैसे तो मक्का को सीधे लेके पिसाने से वो आटा बहुत अच्छा रहता है, उससे रोटी फूलती बहुत है। हाँ, ये रेडीमेड ये वाला है। रेडीमेड पैकेट में हमने मंगाया है जो खाने में तो ठीक है, सही है, लेकिन रोटी बनने में उस तरह फूलती नहीं है जैसे फूलना चाहिए। लेकिन तब भी थोड़ी थोड़ी तो फूल रही है नानी। हाँ, इतने खाने में नहीं खराब हुए, खाने में स्वादिष्ट है लेकिन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बस अब इसमें घी लगाएंगे और इसको मजेदार हाँ, खाएंगे। और इसको सब, हाँ, सभी लोग इसको खाएंगे बहुत स्वाद से। हाँ। हाँ।